स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मेरा नाम है फैज़ान, आप है स्कैनकास्ट के साथ। आज के इस टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं कि ईसीएम रिपेयर करना चाहिए या नहीं, और ईसीएम रिपेयर कर रहे हैं तो शुरू कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पांच बातें आपको ध्यान रखनी है ईसीएम रिपेयरिंग के काम में आने से पहले। पहली बात है कि आपको आपके मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात है आपको आपके सही ट्रेनिंग में ट्रेनिंग लेनी होगी, सही मेथड की ट्रेनिंग जो आपके लिए बेस्ट होती है। तीसरी चीज़, आपको प्रॉपर टूल्स लेने होंगे जो नेसेसरी है, नॉट एक्सपेंसिव है। नेसेसरी कितने होते हैं जिनसे काम शुरू होता है, उनका ध्यान रखना होगा। चौथी चीज़ जो हमें समझनी है वो है कि हमारे प्रोग्रामिंग टूल्स नेसेसरी कौन से प्रोग्रामिंग टूल्स हमें लेना ज़रूरी है हमारे मार्केट के हिसाब से, हम जहाँ बैठे आप जहाँ बैठे वहाँ के हिसाब से। एंड देन आखिरी चीज़ है कि ईसीएम रिपेयर शुरू करते वक्त में पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमारा स्टेप्स क्या होते हैं। ये पांचों सवालों के जवाब आज मैं आप लोगों को वन बाय वन इस वीडियो के अंदर डिटेल में दूंगा, और आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई ये काम करना चाहिए या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो कैसे शुरू किया जाए इसको। अब इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए ये वीडियो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सपोर्ट के लिए जो हम रेगुलरली लेके आते रहते हैं ये आप तक पहुंचे एंड आप लोग इनसे फायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट के साथ हम स्टार्ट करते हैं, हमारे मार्केट को समझते हुए। देखिए, इश्यू रिपेयर के मामले में मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। जब से BS6 इंडस्ट्री के अंदर आया हुआ है तब से मार्केट बूम पर है। बिकॉज अगर आप एक एवरेज निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल्स का एक व्हीकल के अंदर में, तो एवरेज एक व्हीकल के अंदर एटलीस्ट 15 मॉड्यूल्स आपको मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स 15 एवरेज आपको गाड़ियों के अंदर आज देखने के लिए मिलते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा में 50 तक चले जाते हैं, एंड कम से कम किसी भी गाड़ी में 8 मॉड्यूल तो होते ही होते हैं। तो एवरेज एक 15 से 20 के आसपास आपको आ जाता है। तो ये आपका स्कोप ऑफ वर्क है, एंड बिलीव मी ये सारे मॉड्यूल्स रिपेयरेबल होते हैं। एक गाड़ी में अगर 50 मॉड्यूल्स है तो उसमें से 40 रिपेयरेबल होते हैं, कंपनी इसी तरह से उनको बना करके गाड़ी में फिट करती है। तो ये आपका स्कोप ऑफ वर्क है। अब आपको क्या करना है, आप जहाँ पर है, जहाँ पर आप काम करने वाले हैं, वहाँ पर आपके आसपास कितने गराजेस हैं, उनसे मिलना है, उनसे समझना है कि भाई ये काम करने के लिए वो कहाँ जाते हैं, क्या चार्जेस देते हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो जब आप रिपेयरिंग का काम शुरू करोगे उस वक्त में। तो फर्स्ट आपको मार्केट एनालिसिस होनी चाहिए। सेकंड थिंग इज करेक्ट ट्रेनिंग, सही ट्रेनिंग मिलना जरूरी है। अब इंडस्ट्री में दो टाइप की ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, एक जिसके अंदर आप को 4 या 5 ईसीएम के ऊपर में 1 महीने के लिए पूरा सिखाया जाता है। एक ईसीएम, 4 ईसीएम या 5 ईसीएम लाए जाते हैं, उन 5 ईसीएम के ऊपर में आपको कंप्लीट ट्रेनिंग मिलती है कि भाई ये 5 कैसे ठीक होंगे उसमें बता दिया। उसमें वो आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है कि देखो ये वोल्टेज रेगुलेटर है, ये देखो यहाँ पर 5 वोल्ट बनता है, यहाँ पे देखिए 2.5 वोल्ट बनता है, यहाँ पे देखिए पावर आईसी है, ये एमसीयू है, ये आपका मॉस्फेट है, ये ट्रांजिस्टर है, ये ऑसिलेटर है, बस ये इंजेक्टर सेक्शन है, ये आपका मॉस्फेट का सेक्शन है, बस इतना बता करके आपकी उन 5 ईसीएम पे ट्रेनिंग कंप्लीट करके आपको भेज दिया जाता है। अब वही 5 ईसीएम के ऊपर में आप कभी भी काम कर सकते हैं जब आपके पास आएंगे। दूसरी ट्रेनिंग होती है जिसमें आपका फंडामेंटल क्लियर किया जाता है, आपको हर एक कंपोनेंट के बारे में समझाया जाता है, हर एक पार्ट को टेस्ट करना सिखाया जाता है, फिर प्रॉपरली ईसीएम ही नहीं किसी भी कंट्रोल मॉड्यूल को कैसे ठीक करते हैं ये भी डिटेल में समझाया जाता है। बिकॉज इस मेथड से जब आप सीखेंगे तो आपको कौन से मॉड्यूल को आप रिपेयर कर रहे हो ये आपको दिमाग में नहीं रखना है। स्कैनकास्ट 2 ही कंडीशंस रखते हैं एक मॉड्यूल के रिपेयरेबल होने या नहीं होने की। मॉड्यूल सही से ओपन होना चाहिए और मॉड्यूल सही से क्लोज होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ हो सकती है तो ABS, BCM, ECM, EPS, क्लस्टर, सीट मॉड्यूल, डोर मॉड्यूल, ट्रंक मॉड्यूल, सनरूफ मॉड्यूल, आपका स्मार्ट की मॉड्यूल, स्मार्ट्रा इमोबिलाइजर मॉड्यूल, आपका फ्यूज़ बॉक्स के अंदर में भी अभी जो PCB जा रही है वो, ये सभी रिपेयरेबल हैं अगर आप ये चीज़ समझते हैं तो। एंड स्कैनकास्ट इसी पे फोकस करते हैं, हमारी ट्रेनिंग पूरी फोकस होती है कि आप लोगों को यही जानकारी पहुंचे डिटेल में पूरी तरह से। एंड कंप्लीट ट्रेनिंग में हम यहाँ पर इसी तरह से आपको तैयार करके भेजते हैं कि आप किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने तैयार रहेंगे। अब ऑफ कोर्स इसमें एक जो आप लोगों को चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो प्रोग्रेस है वो थोड़ा स्लो होता है बिकॉज आप किसी भी सिस्टम पर काम कर रहे हो, बट ओवर द टाइम एक 10 to 15 ईयर्स के लिए आप रेडी हो जाते हो आने वाले चैलेंजेस को लेकर के, समझ के उनको ठीक करने के लिए।
तो ये ट्रेनिंग जो है हमारी, ये ट्रेनिंग आपको बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड्स में मिल जाती है। हमारा ऑफलाइन सेंटर मुंबई के अंदर में है थाने में, एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप ECM रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग के अंदर एनरोल करके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसमें इसके अलावा और भी कई सारी ट्रेनिंग्स है, व्हीकल डायग्नोसिस की भी ट्रेनिंग आपको मिल जाती है सेम पैटर्न पे, कि आप फ्यूचर रेडी होते हो कि आने वाले जितने जो प्रॉब्लम्स आपको आने वाले उसको आप फेस कर सको एंड उनको आप ठीक कर सको। एंड साथ ही साथ में इस काम को करने के लिए जो सर्विसेज लगती है, जैसे एक ECU रिपेयर करने के लिए हमको वायरिंग डायग्राम्स, IC की डेटा शीट्स की ज़रूरत पड़ती है जो ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, देन आपको ज़रूरत पड़ती है ECM के पिनआउट्स की, तो ये सारे भी आपको सेम स्पेस पे अवेलेबल हो जाते हैं एप्लीकेशन के ऊपर ही। तो आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ से कोर्स को भी आप ले करके पूरी ट्रेनिंग ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो ये हो जाती है दो टाइप की ट्रेनिंग्स जो मैंने आपको समझा दी। अब आप चूज कर सकते हैं आपको इन दोनों में से कौन सी लेनी है एंड किस पे अप्रोच करना है। थर्ड थिंग जो हमारे लिए ज़रूरी है वो है नेसेसरी टूल्स, हमें पता होने चाहिए कौन से हैं। एंड दोस्तों यकीन मानिए, टेबल सेटअप पर हार्डवेयर रिपेयर के लिए जो आपको टूल्स लगते हैं, जिससे आपकी IC खराब हुई तो चेंज करना है, ट्रांजिस्टर MOSFET खराब हुआ तो चेंज करना है, टेस्टिंग करना है, ये सभी के लिए टू द पॉइंट 30 टूल्स लगते हैं। सिर्फ 30 टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, यकीन मानिए। इसके बाद में जितने भी टूल्स हैं ये सारे एडवांस टूल्स हैं जो हमारा काम आसान करते हैं, काम 30 टूल्स से भी हो जाता है। एंड ये 30 हार्डवेयर रिपेयर के टूल्स आपको आराम से 15,000 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएंगे कहीं पर भी इजीली। तो अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं अरे सर इतना प्राइस लगता है, उतना लगता है, 1.5 लाख लगता है, 1 लाख का टेस्टर लेना होता है, 2 लाख का ये लेना होता है, वो 50,000 का प्रोग्रामर लेना होता है। तो प्रोग्रामर की तो मैं अभी बात नहीं कर रहा, बट हार्डवेयर के मामले में आपको अगर बोर्ड के हार्डवेयर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 15,000 रुपीज़ से ज़्यादा का बजट की ज़रूरत नहीं पड़ती जनरली, आप उतने में ही अपना काम बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। एंड ये हर एक टूल की जो ट्रेनिंग है ये प्रॉपर ट्रेनिंग हमने हमारे एप्लीकेशन के ऊपर में डिटेल में ECM रिपेयरिंग प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर दी हुई है, तो आप वहाँ से वो पूरी ले सकते हैं। और हर टूल जो आपको ज़रूरत पड़ेगी ये पूरे भी आपको एप्लीकेशन के ऊपर में अवेलेबल है। तो टूल्स आपको इतने ही लगेंगे, एंड देन इसके बाद एडवांस टूल्स कई सारे आते हैं, जैसे वोल्टेज रेगुलेटर्स है, ECU टेस्टर्स है, उसके बाद में आपके डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप्स है, ये सारे एक्सपेंसिव टूल्स है जो हम काम करते हुए हमारे लिए एक इनकम जनरेट करते हुए इनको हम परचेस करके अपने पास रखते हैं ताकि मेरा काम आसान हो सके। ये ऑफकोर्स ज़रूरत पड़ती है बट एक टाइम के बाद में, ओके? तो ये हो जाते हैं हमारे लिए टूल्स जो नेसेसरी है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, किसी को भी आपको मिसगाइड करने मत दीजिए कि नहीं ये तो लेना ही पड़ेगा, वो तो लेना ही पड़ेगा। आपके हार्डवेयर के लिए वो 15,000 के टूल्स और एक आपका खुद का बनाया टेस्टर, इतने में आपका काम कंप्लीट हो जाता है। हम यही कहते हैं कि आप टेस्टर खुद बनाइए, उसमें आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपको खुद समझ आता है गाड़ी का सिस्टम कैसे काम कर रहा है जिस वजह से ECM में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप खुद से बनाएं। हम अपने हर स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं कि भाई टेस्टर आप लोग बजट है खरीद लो, 10,000 से 12,000, 15,000 में आपको मिल जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम अपना लगाओ, थोड़ा आपका टाइम खर्च होगा, बट आप 3-5 हज़ार के अंदर में खुद से टेस्टर बना लोगे जो अच्छा दिखता भी है एंड काम भी बढ़िया करता है। ये स्कैनकास्ट का मोटिवेशन रहता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। ट्रेनिंग करेक्ट मिलने के बाद, टूल्स सही लेने के बाद में फिर आप लोगों को प्रोग्रामिंग साइड के टूल्स पे भी ध्यान देना है। अब प्रोग्रामिंग साइड के टूल्स में हमारे रेकमेंडेड 3 है जो हम रेकमेंड करते हैं कि आपके पास होने चाहिए, KTAC, PCM टूल एंड KT फ्लैश। अब ये द मोस्ट अफोर्डेबल एंड इनके अंदर में मैं कहूँगा 75% काम इनके अंदर हो जाता है, तीनों के अंदर में 75%। अब इनमें से कौन सा किसे लेना चाहिए, जैसे KTAC जिसके पास में पुरानी गाड़ियाँ काफ़ी आती है, सुजुकी की, ओके, फिर सुजुकी की काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ आती है, आपकी प्रीमियम में भी पुरानी गाड़ियाँ अगर आपके पास काफ़ी आ रही है तो KTAC आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके पास में मॉडर्न गाड़ियाँ काफ़ी सारी आ रही है, नए टाटा महिंद्रा सुजुकी के काफ़ी व्हीकल्स आ रहे हैं, उन सभी में बॉश का EDC 17 सीरीज़ का ECM है। इन गाड़ियों के अंदर क्योंकि 17 सीरीज़ का ECM है, चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो, तो वो सारे के सारे टूल, वो सारे के सारे ECM की प्रोग्रामिंग आपका एक अकेला टूल PCM टूल कर देता है ऑलमोस्ट सभी की। और ऑलमोस्ट महिंद्रा, टाटा, सुजुकी, हुंडई, किया,
ये सभी लोग अपने मैक्सिमम व्हीकल्स के अंदर बॉश के ECM यूज कर रहे हैं 17 सीरीज के पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए। डीजल के मामले में BS4 तक, पेट्रोल के मामले में BS6 में भी सेम जनरेशन अभी भी चल रहा है। इवन दो MG जनरेशन आ चुका है बॉश का, बट अभी भी 17 सीरीज बहुत सारे ब्रांड्स BS6 पेट्रोल में भी यूज कर रहे हैं, बिकॉज BS6 पेट्रोल में कोई ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं किया गया है। और इस BS6 की पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग भी आप व्हीकल डायग्नोसिस के कोर्स के अंदर में आप ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर में, कि आखिर ऐसे क्या चेंजेस है जो डीजल के अंदर हुए बट पेट्रोल में नहीं हुए, तो आपको जानकारी मिल जाती है उस चीज की। तो ये हो जाती है बात हमारे PCM टूल की, जो आपके 2015 के बाद के मैक्सिमम व्हीकल्स के अंदर में बॉश का 17 सीरीज जो लगा है उनकी प्रोग्रामिंग करने का काम करता है। तो KTAG 2015 से पहले की गाड़ियों के लिए, PCM टूल 2015 से बाद की मैक्सिमम गाड़ियों के, मैं नहीं कह रहा 100%, मैंने भी कहा 75%। अब सिर्फ रह जाता है ये दो टूल से जो काम नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ है आपका BS6 डीजल का, जो आपका MD सीरीज का ECM है। MD1 से शुरू होता है, MD1 CS018, MD1 CS014, 013, MD1 CP024, ये डिफरेंट नंबर के ECMs जो आ रहे हैं टोयोटा, सुजुकी, टोयोटा, महिंद्रा, टाटा, ये सारे ब्रांड्स के अंदर में, जीप के अंदर में, ये सभी के मामले में जो डीजल ECM है उनमें MD1 आता है। एंड इसको स्पेसिफिकली ये एक टूल के लिए आज जो सबसे अफोर्डेबल अवेलेबल है टूल, वो है आपका KT फ्लैश, जो एक रीजनेबल प्राइस में आता है। और ये KT फ्लैश काम करता है PCM टूल के साथ, तो इसको लेने के लिए आपके पास PCM टूल होना ज़रूरी है, बिकॉज KT फ्लैश काम करता है J2534 प्रोटोकॉल पे, जिस प्रोटोकॉल के ऊपर में आपका PCM टूल काम करता है, तो वो KT फ्लैश इसी के साथ काम करता है। ठीक है, ये है आपके प्रोग्रामर टूल्स जो आपको ज़रूरी है जब आप काम कर रहे हो फील्ड के ऊपर, आपको फाइल का रीड राइट करने का काम आ रहा है। तो अब तक मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट्स क्लियर कर दिया। मार्केट पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया, आपको कैसे आपके मार्केट को समझना है और काम शुरू करने से पहले, ये भी आपको बताया है। देन आपको ट्रेनिंग किन टाइप्स की मिलती है एंड आपको चूज करना है उनमें से कौन से टाइप की आप लेना चाहते हो, आप 4 ECM 5 ECM पे काम करने के हिसाब से जा रहे हो, या आप चाहते हो कि आपके पास जो भी गाड़ी आए, कोई भी आए, सिर्फ अगर खुल सकता है ECM और बंद हो सकता है तो आप वो रिपेयर करें, आपकी चॉइस है वो ट्रेनिंग के ऊपर में। देन आपकी तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो है कि आपको कौन से टूल्स लेने चाहिए, टूल्स आपके लिए कौन से बेहतर हैं। एंड देन चौथी थी कि टूल्स के मामले में प्रोग्रामर टूल्स कौन से आपको ज़रूरत पड़ते हैं। ओके, जिनमें मैंने 3 मोस्ट रिकमेंडेड टूल्स आप लोगों को बताए जिनसे मैक्सिमम काम हो जाता है। एंड देन बहुत सारे और टूल्स हैं जो आप कुछ गाड़ियों के काम जो आपके नहीं हो रहे उनके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो लेना है कि नहीं लेना है। अब आते हैं हमारे 5वें और सबसे ज़रूरी पॉइंट के ऊपर में, कि सब सीख लिया, सब ले लिया, अब सब सीख के लेने के बाद में काम जब आया तो शुरू कैसे करें। ये कई स्टूडेंट्स की तकलीफ है जो ट्रेनिंग ले करके आए हुए हैं, एंड ये हम बहुत अच्छे से समझते हैं एट स्कैनकास्ट, बिकॉज ये ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के साथ में इशू है, कि ट्रेनिंग मिल गई, काम आ गया, प्रिपेयर करना पता चल गया, ट्रांजिस्टर MOSFET IC पता चल गई, बट पता नहीं चला तो ये नहीं पता चला कि जब आया ECM तो करूँ क्या, पहले क्या करूँ। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको अभी देता हूँ। तो देखिए, जब भी आपके पास कोई मॉड्यूल आता है ना, तो मॉड्यूल 3 कंडीशन का होता है, या तो वो मॉड्यूल आपका डेड होगा, या तो वो मॉड्यूल को पानी से डैमेज हुआ होगा, या तो उस मॉड्यूल के अंदर में आपके किसी पार्ट का प्रॉब्लम होगा, यानी मॉड्यूल में फॉल्ट कोड होगा। 3 कंडीशन के ही बोर्ड आते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी है, हाथ में ECM लेके ECM पे काम करना शुरू करने से पहले समझिए ये तीनों में से कौन सी तकलीफ है आपके मॉड्यूल की। वो पता चलता है जब आपके कस्टमर को आप सुनते हैं, उनसे आप समझते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं। यकीन मानिए, ये 3 कंडीशन छोड़ के कोई और कंडीशन में आज तक कभी बोर्ड नहीं आया है, या तो और मैं बोर्ड कह रहा हूँ, मैं ECM नहीं कह रहा हूँ। तो मैं EPS भी हो तो सेम कंडीशन, ABS भी हो तो सेम प्रोसेस, क्लस्टर हो तो भी सेम तरीके से पता करेंगे सामने वाला क्या बोल रहा है। चेक लाइट, इसकी मेल फंक्शन की लाइट नहीं आ रही, इंजन चालू नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ स्कैन नहीं हो रहा है, क्या कस्टमर ऐसे कह रहा है, तो ये तो डेड बोर्ड है। अगर कस्टमर कह रहा है कि भाई ये देखो ये बोर्ड में पानी गया था, या आप देख ले करके उससे देख रहे हो कि इसके ऊपर व्हाइट सा पूरा ना लेयर जमा हुआ, यानी इसमें पानी गया हुआ है, इसको तो वाटर डैमेज है, तो ये तो वाटर डैमेज कंडीशन आ गया। एंड देन लास्ट कंडीशन जो आपकी बचती है, वो आखिरी कंडीशन है कि भाई कोई पार्ट है, सामने वाले ने बोला इसका कैम्स
सेंसर का सिग्नल नहीं जा रहा, क्रैंक सेंसर का सिग्नल नहीं जा रहा, क्लस्टर का, आपका क्लस्टर में एक एलईडी नहीं चल रही, आपके क्लस्टर का आरपीएम का काटा नहीं चल रहा, ये सारे कंपोनेंट के प्रॉब्लम है। पहले ये तीनों में से किसी एक कैटेगरी में अपने पार्ट को बिठाइए, जब आपकी इन तीनों में से किसी कैटेगरी में पार्ट बैठता है फिर आपको उस कैटेगरी के हिसाब से काम शुरू करना है। समझिए, आपके पास एक डेड ईसीएम आता है, आप सबसे पहले उसको अपने टेस्टर पे लगाइए एंड पता कीजिए कि जो सामने वाले टेक्नीशियन ने आपको कहा है क्या वो सही है। और ये कैसे पता चलेगा, टेस्टर पे लगाने पे आपका मेन रिले ऑन होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन, आपका ईसीएम स्कैन होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हो रही है तो अगर वो कह रहा है कि मेरा बोर्ड डेड है, गाड़ी के ऊपर स्कैन नहीं हो रहा, चेकलाइट नहीं आ रही, यानी वो गलत कह रहे हैं, उन्होंने गाड़ी पे वायरिंग में काम नहीं किया है, तो आपको वहां पर उनको बोलना है भाई पहले आप गाड़ी की वायरिंग ठीक करो, बिकॉज अगर वो वायरिंग ठीक करके तब भी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तो वो फॉल्ट कोड देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा पता। पहली चीज ये है, अगर डेड बोर्ड आपके पास आता, लेट से डेड बोर्ड आया तो मैंने आपको बता दिया, अब लेट से डेड बोर्ड आया एंड जब आपने कनेक्ट किया तो ना चेकलाइट आई ना ईसीएम स्कैन हुआ, यानी कस्टमर सही बोल रहे हैं कि भाई ईसीएम स्कैन नहीं हुआ, ईसीएम जो है गाड़ी के ऊपर में नहीं स्कैन हुआ था, चेकलाइट नहीं आई थी, या टेबल पे भी हमने टेस्टर पे लगाया नहीं आई। अब आप उस ईसीएम को लीजिए एंड ईसीएम को लेकर के अंदर ओपन कीजिए एंड सबसे पहले फिजिकली टेस्ट कीजिए, सबसे पहले देखिए उसमें क्या तकलीफ है, जो भी तकलीफ है उसमें आपको दिखाई दे रही है सबसे पहले उन सभी को ठीक कीजिए, कार्बन जमा है, ब्लैक ब्लैक आपको पूरे बोर्ड पे दिख रहा है उसको साफ कीजिए, अगर जंग पकड़ा हुआ दिख रहा है तो उसको क्लीन कीजिए, उसके ऊपर में कोटिंग लगाइए, अगर आपको दिख रहा है कि उसके ऊपर में पानी से डैमेज हुआ है या अंदर बाहर से नहीं दिख रहा था अंदर आप देख रहे हो कि हल्का वाइटिशनेस है तो उसको साफ सफाई कीजिए, साफ करके फिर उसके बाद में उसको वापस एक बार चेक कीजिए कि भैया ठीक हुआ क्या। अगर फिजिकली सब देख करके ठीक करने के बाद, कभी कभी आईसी जली होती है, कंपोनेंट जला हुआ होता है, बोर्ड में बोर्ड के ट्रैक्स जले होते हैं, कटे होते हैं, जिस वजह से काम नहीं हो रहा होता, ऐसा कोई भी चीज़ है, कैपेसिटर लीक होता है, इनमें से कोई भी रीज़न है तो पहले उनको ठीक कीजिए एंड देन आगे कुछ करने से पहले उसको पहले टेस्टर पे लाके वापस चेक कीजिए ठीक हुआ क्या। हो सकता है मैक्सिमम केस में इतने में ही ठीक हो जाए, अगर नहीं हो रहा है तो आपको आपको सप्लाई दे के रख के कनेक्टर लगा करके टेस्टर का आपको चेक करना है क्या मेरा ईसीएम 12 वोल्ट कर रहा है। अगर वो 12 वोल्ट एक्सेप्ट कर रहा है तो हम मल्टीमीटर के टेम्परेचर प्रोब इस्तेमाल करते हैं जिससे हम टेम्परेचर देखते हैं कि हमारी आईसी का क्या है। पहले हम कोल्ड में टेस्टिंग करते हैं और फिर हम हॉट टेस्ट करते हैं कि भाई गर्म ऑन करने के बाद क्या टेम्परेचर। डोंट वरी, ये जो टेस्टिंग का तरीका है ये ट्रेनिंग इसके ऊपर में दी गई है, टेम्परेचर प्रोब मल्टीमीटर के कैसे इस्तेमाल करते हैं एंड इसको कैसे यूज करते हैं, ये हम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही जगह पर हम लोग सिखाते हैं। तो आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, आप ऑनलाइन के अंदर में नीचे दी हुई लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ईसीएम रिपेयरिंग एंड प्रोग्रामिंग का कोर्स ले लीजिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा ये सारी टेस्टिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने ये भी पूरी वहाँ पर ट्रेनिंग में भी दी है, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। तो जैसा मैं कह रहा था, टेम्परेचर टेस्ट हम करते हैं, जब हम टेम्परेचर टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ठंडे में मैं अगर 25 डिग्री सेल्सियस के एसी के क्लाइमेट में हूँ तो मेरी आईसी 40-42 डिग्री तक जाती है, अगर इससे ज़्यादा जा रही है यानी मेरी आईसी में शॉर्टिंग है तो मैं सब बोर्ड को तुरंत बंद करके पहले आईसी को चेंज कर देता हूँ जो बहुत गर्म हो रही है वो। तो फर्स्ट स्टेप कि वोल्टेज देने के बाद में हमने हीट टेस्ट करके देखा, लेट्स से सब कुछ नॉर्मल हीटिंग है, सब कुछ सही से चल रहा है, देन हम जाते हैं हमारे पावर आईसी को चेक करने के लिए कि पावर आईसी 5 वोल्ट जनरेट कर रही है या नहीं। अगर 5 वोल्ट नहीं जनरेट हो रहा तो हमें इग्निशन की लाइन चेक करनी होती है कि इग्निशन की लाइन से 5 वोल्ट इग्निशन का सिग्नल 12 वोल्ट का आईसी को जाएगा तभी तो वो 5 वोल्ट निकालेगी। ये सब कुछ सही करने के बाद में आपका बोर्ड 100% डेड से अलाइव हो जाएगा और सारे वोल्टेजेस बनना शुरू हो जाएंगे। एक आखिरी स्टेप रह जाता है ऑसिलेटर, जो कि अगर ख़राब हो गया हो आपका ये सब कुछ ओके होने के बाद भी नहीं चालू हो तो आपका ऑसिलेटर होता है जो फॉल्टी है उसको चेंज करने के बाद 100% डेड से बोर्ड अलाइव हो जाता है, आप गाड़ी पे लगा के उसको कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं। ये मैंने बता दिया डेड ईसीएम का क्या तरीका। जब आपका बोर्ड पानी से डैमेज है तो कुछ मत कीजिए, कोई टेस्टर मत लगाइए, कस्टमर से लीजिए, खोलिए, सिर्फ उसको कस्टमर से लेने से पहले एक चीज़ पूछ लेना कि सर जी इग्निशन ऑन किए थे क्या, अगर किया उसने बोला तो बोलना इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक हुआ तो हुआ नहीं तो नहीं भी हो सकता है। उन्होंने कहा इग्निशन नहीं ऑन हुआ, ठीक है बोलना मैं ट्राई करता हूँ, चेक करके देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो लेना, ओपन करना, सब कुछ साफ सुफ करना और फिर टेस्टर पे लगा के चेक करना, अगर टेस्टर पे वो साफ सफाई करके सब होने के बाद ओके हो गया, फिजिकली आपके कुछ जला हुआ था अगर बोर्ड के अंदर कुछ डैमेज था या सड़ गया था तो उसको आपने चेंज करके ठीक कर दिया तो सिंपली बोर्ड सामने वाले को वो सब चीज़ें ठीक करके दे दीजिए और बोलिए लगा दीजिए गाड़ी के ऊपर में और फॉल्ट कोड क्या आ रहे हैं वो देख लेना एक बार। ये हो जाता है आपका सेकेंड कंडीशन को सही करने का। फिर दोनों ही केसेस में एक बार बोर्ड डेड से डेड था
तो डेट से जब आपने अलाइव किया तो अलाइव करने के बाद फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो फॉल्ट कोड्स आएंगे। यहाँ आ जाते हैं आपकी कंपोनेंट वाली प्रॉब्लम की, भाई मेरे किसी पार्ट में इशू है। अब जब पार्ट का इशू होता है तो आपको चाहिए सबसे पहले आपके पिनआउट्स, आपको पिनआउट्स लेना है। पिनआउट्स में से देखना है कि कौन से पिन के ऊपर में मेरा जो पार्ट का फॉल्ट है। लेट्स से मेरे थ्रॉटल पोजीशन सेंसर के अंदर इशू है, सिग्नल ए सर्किट लो करके फॉल्ट आया है, तो सेंसर ए बोल रहा है, मुझे पता होना चाहिए सेंसर ए आता कहाँ पे। तो इसके लिए हमें पिनआउट चाहिए होते हैं, एंड ये पिनआउट अगेन एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों को अवेलेबल है। वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, ईसीएम पिनआउट आपको मोर देन 2500 ईसीएम पिनआउट्स आपको मिल जाएंगे ऑन द एप्लीकेशन राइट एज ऑफ नाउ। तो आप क्लिक कीजिए ना, आपको वहां पर वो अवेलेबल है। तो ईसीएम पिनआउट आपको एक बार मिल गया, ईसीएम पिनआउट लेने के बाद में आपको देखना है किस पिन पे आता है, ठीक है। आप टेस्टर पे लगाते हो, पिन पे वोल्टेजेस चेक करते हो, चेक करने के बाद फिर आप प्रॉपरली लाइन ट्रेस करते हो, एंड ट्रेस करते वक्त हर एक कंपोनेंट जो रास्ते में आता है उसको आप चेक करते हो। सब कुछ चेक करने के बाद, सारे टेस्टिंग होने के बाद में आपको फॉल्ट उसमें मिल ही जाता है। एंड अगर फिर भी फिजिकली सब चेक करके हार्डवेयर टेस्ट करने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं पता चलता है तो आप सिंपल सा एक डिक्लेरेशन करते हो कि इसमें सॉफ्टवेयर का इशू है, एंड आप उसकी फिर प्रोग्रामिंग करते हो, जिसके लिए आपको जो मैंने आपको बताया प्रोग्रामर टूल वो ज़रूरी होते हैं, उनके इस्तेमाल से आप प्रोग्रामिंग करके अपने बोर्ड को सही करके दे सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी तीसरी कंडीशन, कंपोनेंट वाला प्रॉब्लम। तो ये तीन कंडीशन में आपका बोर्ड किसी भी टाइप से आए, किसी भी तकलीफ लेके आए, तीन कंडीशन में से आप एक कंडीशन में बिठाइए, एंड स्टेप बाय स्टेप जो आपको मैंने प्रोसेस बताया वो फॉलो कीजिए, एंड आपका बोर्ड ठीक होकर के जाएगा गारंटी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जो पाँचों के पाँच पॉइंट मैंने आपको आज बताए, जिससे कि आप डिसाइड कर सके कि ECM रिपेयरिंग आपको करनी भी है या नहीं, करनी चाहिए या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो उसको कैसे सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, ये आपको क्लैरिटी मैंने दे दी हो। जिसमें पांच पॉइंट हमारे ये कि हमने पहले मार्केट को समझा है, फिर हमने हमारे समझा है कि हमें करेक्ट ट्रेनिंग कौन सी लेनी चाहिए, उसके बाद में हमें करेक्ट ट्रेनिंग के बाद में सही टूल्स कौन से होने चाहिए हमारे पास में, तीसरी चीज़, देन हमारे पास में सही प्रोग्रामर टूल्स कौन से होने चाहिए हमारे मार्केट के हिसाब से, आप कौन से ब्रांड्स और कौन से टाइप के व्हीकल पे काम करो उसके हिसाब से आपको क्या शुरुआत में ज़रूरी है, एंड देन लास्टली आपको शुरू करना कैसे है, ECM को बनाना, मॉड्यूल बनाना कैसे शुरू करना जब आपके पास टेबल पे आके रखा हुआ है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस पूरी ट्रेनिंग का फ़ायदा पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।